तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई ब्रेकिंग न्यूज वीडियो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 जून। छत्तीसगढ़ दिनभर के प्रमुख बड़ी खबरें में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो पर हम आप लोगों को बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। चलिए आए देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं आज के सबसे पहले न्यू अपडेट पर। प्रदेश में हरियाली प्रसार अभियान, 3 लाख पौधे मुफ्त घर घर पहुँचाए गए। जी हाँ, पूर्व में प्रकृति का प्रेम जगाने और जिले को हरा भरा बनाने के मिशन में प्रशासन जुट चुका है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण इलाके में 3 लाख से ज़्यादा पौधे बांटे जाएंगे। इतना ही नहीं, लोगों को इन पौधों के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी। वन विभाग खुद घरों, सोसाइटी और गांव तक पहुँचाएगा पौधे। वही वही लोग, दूसरी न्यू अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। योजना का लाभ दिलाने बनाएंगे श्रम मित्र। जैसे बैंक मित्र, आधार मित्र है, उसी तरह से भाई लोग अभी आने वाली है श्रम मित्र, जिससे योजनाओं का लाभ दिलाएंगे युवाओं को। और इसके लिए बड़ी अपडेट आ रही है, केंद्र और राज्य सरकार की योजना का श्रमिकों को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश भर में श्रम मित्र मनोनीत किए जाएंगे। श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने इसके लिए सभी मंत्रियों को, विधायकों को पत्र लिखा है। प्रत्येक यूनिट में 5-5 श्रम मित्र का मनोनयन किया जाए। जी हाँ भाई लोग, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। 29 जून को सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ 29 जून को प्रदेश में एक साथ प्रदर्शन करेगी। प्रत्येक तहसील और ब्लॉक लेवल में 30 जून से 4 जुलाई तक धरना प्रदर्शन विरोध किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के समय संकट में झेल रहे देश के लोगों पर केंद्र सरकार महंगाई का बोझ डाल रही है। तो भाई लोग, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर भाई लोग आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर कीजिए। वहीं दूसरी ओर न्यू अपडेट के साथ, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में रीचेक रीटोटलिंग 8 जुलाई तक आप लोग कर सकते हैं आवेदन। इसके लिए जो न्यू अपडेट सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करने के दूसरे दिन पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए 8 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट cbse.nic.in में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं दूसरी न्यू बड़ी अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार आयुर्वेदिक को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय आयुर्वेदिक दवाओं के जिलों में भेज रही हैं। वहीं जिले में आयुर्वेदिक अस्पताल और डिस्पेंसरी में ओपीडी ढाबा पड़ी है। आयुष चिकित्सक की थर्मल स्कैनिंग और सैंपलिंग में ड्यूटी लगाए जाने से अस्पताल नहीं पहुँच पा रही हैं। दूसरी जो बड़ी अपडेट आ रही है किसानों को लेकर, किसानों को न हो कोरोना, सरकार ने दी निर्देश। और इधर आप लोग देख सकते हैं, बारिश के बाद अब खेती में तेजी आ गई है। वहीं गाँव में कोरोना संक्रमित भी बढ़ रहे हैं, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने और औजारों को सैनिटाइज करने की सलाह भी दी है। किसानों को साबुन और पानी से हाथ धोने और काम के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाने को कहा है। कृषि विभाग ने किसानों को खेती के साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सुझाव भी दिए हैं। वैसे भाई लोग, किसान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी क्या अपनी राय रखते हैं इस संदर्भ में, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय हमारे तक जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम दूसरी बड़ी अपडेट पर, रायपुर से आ रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने टॉपर्स विद्यार्थियों को किया सम्मानित। जी हाँ, स्कूल शिक्षा मंत्री और भारत स्काउट गाइड एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शाह सिंह टेकाम से आज उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी प्रज्ञा कश्यप और टीकेश वैष्णव ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक एवं भारत स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त विनोद सेवनलाल चंद्राकर भी उपस्थित थे। और इन दोनों विद्यार्थियों के लिए जरूर से नीचे कंग्रेचुलेशन बोल दीजिए, प्यार दीजिए भाई लोग, और प्रोत्साहित करते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स पर दोनों हमारे टॉपर्स के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिए। जी हाँ, वही दूसरी और बड़ी अपडेट आ रही है। इतने दिन जो है झमाझम बारिश हो रही थी, अब मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन बारिश नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी तापमान। तो जी हाँ, रायपुर से आ रही अपडेट, मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में आज बादल साफ नजर आए। वहीं हल्की धूप से शहर में उसम का एहसास भी हुआ। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम के हाल की बातें करें तो बहुत ज़्यादा बारिश न होने के आसार हैं। वहीं दूसरी ओर न्यू अपडेट सिटी बसों को लेके, रायपुर में जो है सिटी बसें चलने पर अंकुश अभी भी बरकरार है। यात्रियों के लिए देशभर में यात्री बसों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी के बाद भी सिटी बसें 3 दिन चलाने के बाद बंद कर दी हैं।
ऑपरेटरों का कहना है कि बिना आर्थिक मदद और छूट दिए वह बसें को नहीं चला पाएंगे। लगातार नुकसान को देखते हुए अस्थायी रूप से इसे बंद कर दिया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, आप लोगों को सिटी बसें को बंद कर दी गई है तो कहां तक सही है नहीं है, नीचे कमेंट पर अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए और न्यू बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से, प्रदेश में सीजी बोर्ड से निजी स्कूलों का संचालन करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अब तक 171 स्कूल संचालकों ने आवेदन दिया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग कमेटी स्कूल परिसरों का मुआयना करेगी, फिर मान्यता देगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मार्च में नई मान्यता लेने वाले स्कूल प्रबंधकों के आवेदन मंगवाए थे। अब इस तरह से नए प्राइवेट स्कूल बनेंगे तो चलिए अच्छी बात है। तो नीचे कमेंट करते रहिए, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा दीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। वहीं दूसरी ओर बड़ी अपडेट बाबा रामदेव के दवाओं को लेके, बाबा रामदेव की कोरोना इलाज दवा विवादों में। जी हां, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो कथित दवा ईजाद की है वह विवादों में घिर गई है। सवाल इसकी प्रामाणिकता पर उठ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कि केंद्र सरकार और ICMR इसे प्रमाणित नहीं करती है तब तक सरकार इसकी बिक्री पर मंजूरी नहीं देगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह साफ किया है कि आयुर्वेद की दवा सिर्फ इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, इससे इलाज की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इस तरह से बाबा रामदेव की जो पतंजलि द्वारा जो बनाई गई कोरोना इलाज के लिए जो दवा है इस तरह से विवाद में फंस चुकी है। और इसको लेके आप अपनी क्या राय प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर से दीजिए। तो ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे 26 जून दिन भर की छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी न्यूज खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और मित्रों तक शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।